हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो NPCIL कैगा की तरफ से। NPCIL कैगा में साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैट फर्स्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने कितने नंबर बढ़े हैं। देखिए, हम इसके ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाटा पे साइट पर आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर जनरल नोटिस पर क्लिक करना है। चलिए गाइस, मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही जनरल नोटिस पर क्लिक करते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, लिखा हुआ है साइंटिफिक असिस्टेंट बी कैट फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट इन एडवाइस्ड डिसिप्लिन्स। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टर फ्रॉम 25/8/2022 से 28/8/2022 को वेरियस सेंटर इन कर्नाटका फॉर द पोस्ट ऑफ ये सारी। तो यहाँ पर क्लिक करके अभी मैं नोटिस डाउनलोड कर लेता हूँ और देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। हमने वहाँ पर क्लिक करके नोटिस डाउनलोड कर लिए, देख सकते हैं 23 फरवरी 2023 की अपडेट है। सब्जेक्ट है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फ्रॉम 25/8/2022 से 28/8/2022 एट वेरियस सेंटर इन कर्नाटका। रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फ्रॉम 25/8/2022 से 28/8/2022 एट वेरियस सेंटर इन कर्नाटका इन वेरियस डिसिप्लिन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इज डिस्प्लेड। या आपके स्कोर का डिस्प्लेड हो गया है टू द कैंडिडेट थ्रू दियर इंडिविजुअल लॉगिन। जो भी कैंडिडेट्स, सबके अलग अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह होंगे, तो इनको इंडिविजुअल लॉगिन करना होगा। द कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्ट द सैट ऑनलाइन एग्जामिनेशन मे व्यू दियर रिजल्ट। आपको चेक कैसे करना है, देखिए लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है या आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके अप्लाई पर जाना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर, उसके बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो चलिए गाइस देख लेते हैं हम भी। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं जो लिंक दी हुई है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना। चलिए गाइस, मैं साइट डिटेल्स फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही साइट डिटेल्स फिल कर देंगे, यहाँ का आपका आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्रेस वगैरह। तो सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। चलिए गाइस, मैं क्लिक कर देता हूँ अप्लाई पर। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन स्टेटस। अब यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, उसके पास यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन के नीचे एप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही एप्लीकेशन स्टेटस पर चेक करेंगे, आपका नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, यानी कि आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर हैं। जैसे इनके पहले थे 180 नंबर और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका हो गया 183 नंबर। तो आप भी इसी प्रकार अपना टोटल मार्क्स चेक कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी देखने सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।